नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से काफ़ी सारे न्यूज आर्टिकल में ये खबर चल रही है कि चंद्रयान 3 इज डेड। इवन इसरो के चीफ यानी कि एस सोमनाथन ने भी ट्विटर पे ट्वीट करके ये कहा कि चंद्रयान 3 इज नो मोर नाउ। तो क्या सच में हमारा चंद्रयान 3 खत्म हो गया और क्या सच में चंद्रयान 3 का बस इतना ही देर समय था? चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली उसके बारे में जानेंगे। और हाँ, आखिर इतने दिनों में चंद्रयान 3 चांद के ऊपर कर क्या रहा था, यानी कि कौन कौन सी रिसर्चेस और डिस्कवरी की चांद के सतह के ऊपर, सभी चीज़ों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट होने से पहले, अभी से ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर से कर दो। 23 अगस्त 2023 ये वो दिन था जब पहली बार हमारा चंद्रयान 3 उस चांद के साउथ पोल पे अपना कदम रखता है और यहाँ से शुरू होती है चंद्रयान 3 की मिशन। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसरो ने इसे 14 दिन के लिए ही डिज़ाइन किया था, यानी कि ये चंद्रयान 3 सिर्फ 14 दिनों का ही मिशन ड्यूरेशन था। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई चांद पे इतना ज़्यादा मुश्किल से गए और इतने ज़्यादा बजट लगा कर गए तो फिर सिर्फ 14 दिनों के लिए? सो इसके पीछे भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर चीज़ को कोई ना कोई एनर्जी सोर्स चाहिए जिससे वो अपने कामों को बखूबी करते रहे। सो स्पेस में सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स रहता है जो कि है हमारा सन। तो जब तक सन लाइट इस चंद्रयान 3 पर पड़ा तब तक तो वो काम करेगा और जैसे ही चांद के ऊपर सूर्यास्त होगा यानी कि सनसेट होगा उस समय ये कम्प्लीटली तरीके से फंक्शन करना बंद कर देगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि चांद के ऊपर एक दिन हमारे इस धरती के लगभग 14 दिन और रात के बराबर होते हैं, जिस वजह से मैं 14 डेज के ड्यूरेशन की बात कर रहा था। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो यहीं पे आती है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद के ऊपर एक दिन लेट उतरा था, यानी कि अब चंद्रयान 3 के पास सिर्फ 13 दिन ही था रिसर्च करने के लिए। और जब वो रिसर्च अपना 13 दिन का कंप्लीट किया और जैसे ही लूनार नाइट होने वाला था उस समय इसरो के वैज्ञानिक इसे स्लीप मोड में डाल दिए, यानी कि इसकी हर एक चीज़ से कम्प्लीटली संपर्क तोड़ दिए और इसको एक प्रोटेक्टिव वेव में एक जगह छोड़ दिया गया। और यहीं पर शुरू होती है चांद के ऊपर 14 दिन का बहुत ही ज़्यादा वियर्ड कंडीशन, क्योंकि चांद के ऊपर नाइट के समय में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -200 डिग्री तक चल जाता है, जिसमें शायद ही कोई इंस्ट्रूमेंट अपना काम बखूबी कर पाए। सो 14 दिन के बाद वापस से इसको जब रीजेनरेट करने की कोशिश की गई, इसके पास सिग्नल भेजे गए लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और उसी समय इसरो के वैज्ञानिक ने भी ये बताया कि सच में हमारा चंद्रयान 3 अब डेड हो चुका है, यानी कि अब वो रीएक्टिवेट नहीं हो सकता। अब ये सब चीज़ थी कि आखिर चंद्रयान 3 कैसे डेड हुआ था। वेल, अब इस 13 दिन के अंदर चंद्रयान 3 ने कुछ ना कुछ तो अचीवमेंट किया ही होगा, यानी कि कुछ ना कुछ नए डिस्कवरीज तो चांद के सरफेस पे जरूर ही किया होगा। तो चलिए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो सबसे पहले चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल के ऊपर टेम्परेचर में एक ऐसा डिफरेंस देखा जिसे शायद ही आप लोग सोच सकते हो, क्योंकि उसके अंदर लगे हुए जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सबसे पहले सरफेस का जब टेम्परेचर मेजर किए तो उसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 60 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गर्म। और वहीं पर सिर्फ 8 सेंटीमीटर सरफेस से नीचे का टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो वो टेम्परेचर लगभग -10 डिग्री था, यानी कि आप लोग सोच सकते हो कि सिर्फ 8 सेंटीमीटर नीचे ही इतना ज्यादा बड़ा टेम्परेचर में डिफरेंस। उसके बाद चंद्रयान 3 चांद के सरफेस के ऊपर सल्फर गैस को भी ऑब्जर्व किया, यानी कि पहली बार यह डिस्कवरी थी जब चांद के ऊपर सल्फर गैस का मिलना होता। और उसके बाद थर्ड, जो कि काफी ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल वाली डिस्कवरी थी, वो था ऑक्सीजन की डिस्कवरी। वेल, अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में चांद के ऊपर ऑक्सीजन है? तो मैं बता दूं कि डायरेक्टली तो ये नहीं कह सकते, ये बल्कि इनडायरेक्टली फॉर्म में चांद के ऊपर भी मौजूद है, क्योंकि अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चांद के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से वहाँ पे ऑक्सीजन ऐसे फ्रीली में तो नहीं घूम सकता। सो जब चंद्रयान 3 उसके रॉक्स और सैंड यानी कि जो भी मिट्टी है वहाँ की उसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, उसी समय उसको ऑक्सीजन के कुछ ट्रेसेस मिले, कुछ दूसरे फॉर्म में मौजूद है, जैसे कि सिलिकेट। अब सिलिकेट यानी कि सिलिका और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले सैंड, तो जिससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन फ्रीली एटमॉस्फेयर में तो नहीं है बल्कि चांद के सतह के ऊपर जो रॉक्स है और जो भी वहाँ के सरफेस है उसके अंदर
ट्रैप होकर अभी भी मौजूद है। अब भले ही हमारा चंद्रयान 3 डेड हो गया हो, लेकिन इसने जो अचीवमेंट प्राप्त किया है हमारे इंडिया को लेकर, हमारे लिए एक प्राउड फील करने वाली बात है। वेल, अब इसरो का एक यहाँ पे नया प्लान भी आप लोग सुन लीजिए कि इसरो अब करने वाला है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन में पहली बार ह्यूमंस इंडिया के साइड से स्पेस में जाने वाले है। सो उसके ऊपर भी मैं कम्प्लीट वीडियो बना के रखा हूँ, तो उसको भी जाकर जरूर से एक बार चेकआउट कीजिएगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।